बिछिया थाना अंतर्गत गांजा बेचती महिला हुई ग्राम कन्नौजा में गिरफ्तार। महिला के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई करके महिला को जेल भेजने की तैयारी में बिछिया पुलिस। बिछिया थाना अंतर्गत गांजा बेचती महिला हुई ग्राम कन्नौजा में गिरफ्तार। महिला के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत हुई कार्रवाई। महिला को अब जेल भेजने की तैयारी में जुट गई है बिछिया पुलिस। हम आपको बता दें, रीवा की पुलिस इन दिनों कोरेक्स, गांजा जैसे नशीले पदार्थों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करती दिखाई दे रही है। रीवा जिले में इन दिनों ये कारोबार महिलाएं ज़्यादा करती नज़र आ रही हैं। अगर अभी हाल के दिनों की पुलिस की कार्रवाई पर अगर हम नज़र डालते हैं तो पिछले दिनों रीवा के सिविल लाइन थाने की कार्रवाई में 4 महिलाओं के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई के साथ आज एक फिर कार्रवाई कन्नौजा में बिछिया थाने की, जिसमें एक बार फिर से महिला पकड़ी गई। साफ तौर से कहा जा सकता है इस समय महिलाएं पुरुषों से एक कदम आगे गांजा कोरेक्स जैसी बेचने में वो कुछ ज़्यादा ही नज़र आ रही हैं और पुलिस भी उतनी ही तेज़ी से उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। बिछिया थाना अंतर्गत ग्राम कन्नौजा में किराने की दुकान पर पुलिस का छापा। गांजे के साथ पकड़ी गई महिला एनडीपीएस एक्ट के तहत पुलिस कार्रवाई करने की तैयारी में जुटी। गांजे की अनुमानित कीमत 40,000 रुपए के आसपास पुलिस ने बताया। हम आपको बता दें, रीवा में इन दिनों गांजा बेचने वाली महिलाओं के नाम ज्यादा ही नजर आ रहे हैं। पुलिस की कार्रवाई में यह साबित भी हो रहा है। पिछले दिनों रीवा की सिविल लाइन पुलिस ने कबाड़ी मोहल्ले में लगातार छापामार कार्रवाई करते हुए अलग अलग मामलों में 4 महिलाओं को पकड़ा था। इन महिलाओं पर भी एनडीपीसी एक्ट के तहत पुलिस ने कार्रवाई की थी। आज एक बार फिर रीवा के बिछिया थाने की पुलिस ने ग्राम कन्नौजा में किराने की दुकान पर छापामार कार्रवाई करते हुए गांजा बेचते हुए एक महिला को गिरफ्तार करने में सफलता पाई। पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना मिल रही थी, ग्राम कन्नौजा की एक दुकान में लगातार एक महिला काफी अरसे से गांजा बेच रही है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर तस्दीक कराई। पुख्ता जानकारी मिलने के बाद एक टीम बनाई गई। टीम बनाकर कन्नौजा भेजा गया छापामार कार्रवाई करने के लिए। पुलिस कन्नौजा पहुंची, किराने की दुकान पर पहुंची। महिला की दुकान पर पुलिस ने तलाशी ली। एक झोले में रखे हुए गांजे को पुलिस ने बरामद करने में पाई सफलता। झूले से गांजा बरामद हुआ, जिसकी कीमत पुलिस के अनुसार 4,000 रुपये है। हालांकि पुलिस को सूचना मिली थी गांजा काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है, लेकिन पुलिस का कहना है या तो गांजा कहीं छिपा दिया गया या फिर ये गांजा पहले ही बिक चुका था। छापा में हो सकता है कुछ देरी हो गई हो, तमाम तरीके की बातें हैं। फिर भी किराने की दुकान में गांजा बरामद हुआ है। पुलिस उस महिला के खिलाफ एनडीपीसी एक्ट के तहत कार्रवाई करके महिला को जेल भेजने की तैयारी में जुट गई है। आइए हम आपको बताते हैं, बिछिया थाने के TI JS ठाकुर ने इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ बताया, आप भी सुनिए। जी हाँ, ग्राम कन्नौजा में मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि जो है एक महिला अपने किराने की दुकान से जो है गांजा बेचने का काम करती है। सूचना को वरिष्ठ अधिकारियों को बताया गया, बाद श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में टीम गठित कर जो है मौके पर रवाना किए गए और महिला के दुकान की तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान जो है उसकी दीवार में लटका हुआ एक थैला मिला, जिसमें जो है गांजा मिला। बाद तौल के जो है 650 ग्राम पाया गया और 650 ग्राम गांजा मिलने के बाद उसके विरुद्ध जो है NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। सर, ये गांजे की कितनी कीमत है? करीब 4,000 के आसपास इसकी कीमत आके जा रही है।